ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਆਇਆ ਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਮਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਕੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੈਫਟ ਦੇਖੋ, ਅਬ ਲੈਫਟ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। $45 का देख ले, ये मौला की गर्म नवाजी है, तुझे इतने प्यार से उठाया, वरना तुझे पता है तुझे उठा के मार रहा था जमीन पे। पता ना, उठ जा भाई। अरे बूफे लगा हुआ है नीचे नाश्ते का, 15 मिनट के बाद नाश्ता बंद हो जाएगा। आजा, मैं भी अभी नहीं नहाया, वापिस आके नहाएंगे। आजा हरी अब, आजा यार। शाहजी यार, हमारे शाहजी के लिए दुआ करे। शाहजी की तबीयत बहुत खराब हो गई मान, शाहजी जी पहले दिन ही तबीयत खराब हो गई। यार उन्होंने कहा था ना कि आजमाइश आती है, आजमाइश आती है। हुआ पता क्या इसके साथ हुआ है, वो हीट स्ट्रोक। ये एसी में से निकल के फौरन बाहर गया ज़ियारत के लिए, ज़ियारत से वापस फिर एसी में, इस वजह से हुआ। आजा हरिये प्यार, चला फिर चला, ए जल्दी कर, कुरली कर ला गंदे गंदे। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए भाई परेशान हो रहा, खत्म करो काम, टाइम नहीं हमारे पास। आगे जी आगे आगे चलो। आप कर रहे हैं नाश्ता? हमने कर लिया, अपनी चीजें पैक कर लो, निकलने जा रहा हूं। ज़ियारत पे हम लोग ही लेट हो रहे, किसी को भाई जान नाश्ता करके निकल रहे हैं। चीजें क्या पैक करनी है, दो चार सूट है हमारे, कौन सा मसला? एक सूट लेना जो यूज किया, बाकी चीजें पैक के साथ रख, ठीक है? आ जाओ, नाश्ता नहीं करना क्यों? मान आजा, निकलना यार फिर ज़ियारत पे, क्यों ड्रामे कर रहा है? नहीं करना नाश्ता, चलो ठीक है ओके। चल इसका ड्रामा ही रहता सारी जिंदगी। चल यार आजा, चल तू निकल, रहने दो भूखा ही रहने तेनू। चल ठीक है ओके, हूँ खामी ना तेरा, मन रात कुछ खामी, ज़ियारत शुरू हो गई, फिर दोपहर को खिलाऊंगा खाना, हैं? ओके चल निकल, अल्लाह हाफिज़। की पैकिंग तो मेरे पास ही है ना। हाँ तो कर लो ना, जो एक आधा सूट यूज किया बस वो पैक कर लो, मैं आ रहा हूँ नाश्ता करके, ठीक है? आपका साफ लेके मशी के लिए एक सूट साथ रखा, ठीक है? ठीक है कर ले कर ले कर ले, ओके आ जा। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है क्या हुआ यार? अजी बस कर यार, नाश्ता लगा के भाई बैठे में यार। अब आप भी जाती वाला काम करते हैं ना, आप कहते हैं 8 बजे आके नाश्ता कर लो, 7 से 9 नाश्ते का टाइम है, 7 से 9 यार। को पत्थर से लकीर है, कहो यार हम 10 दे दिया कर, दो हो गया यार, और 9:05 सब कुछ खा लेते हैं। मैंने ये सिर्फ आप लोगों के लिए अरेंज करके रखा हुआ। अभी क्या टाइम हो गया? टाइम 10 बज गए, 10:15 बज गया यार। उसे बताया करो यार, 8:30 जो बंदा सोता है वो कैसे नाश्ता करे 9:15 बजे। बाकी थैंक यू चाली यार चौधरी, शुरू कर। अच्छा मैं आपको बता रहा था भाई, इसका गला अभी भी खराब है यार, इसको दवाई लेते हैं। अभी मौलाना को खाया, अभी डॉक्टर पे लेके जाते हैं। चलो अल्लाह अभी 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 अभी। अच्छा जी ये आगे चने और लोबिया, यहाँ का कॉमन है नाश्ते में। ये आ गए देसी उबले हुए अंडे, ये आ गया ऑमलेट, ऑमलेट अदर ऑमलेट आ गया, ये अंडे की भुजिया आ गई, खाली प्लेट आ गई, और ये आ गई ब्रेड के तौर पे, ठीक है? वो आ गया शहद, साथ आ गई फ्राइज, वादू है चाय भाई बनाने चले गए। ये क्या है? ए मैं पता नहीं सी ऐसा, मैं इधर आया ही मैं पता नहीं सी, मैंने इधर कैमरे नहीं किया। अच्छा जी गुल्ली निकाल देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, वही ना हो के दाने दूने निकल आए। चेक किया है कैसा एग्जैक्ट आपके भाई ने गुल्ली निकाल ली है। गुल्ली भी कहते हैं सारी जिंदगी, गुल्ली कहते हैं, आज भी सर्दी याद आ गई है, मर्जी है चौधरी। सारी रात मैं यार ही सोया था, कोई बात। चल भाई ये क्या इधर का जो है ना गहवा, बड़ा टेस्टी है यार, यूनिस्टेड। इतनी ज्यादा हम रात को मगरब वैन तक भी पहुंचे ना, मिशन तो बहुत बड़ी बात होगी। खाना खाना खा लिया जी, नाश्ता कर लिया, क्या हो गया यार? बंद नहीं हो रही तबीयत खराब है ना, फुल बोर हुआ ना, फुल बोर। चलो
जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सारे? बट साहब तुम ये ठीक है? हाँ प्यारे, तबीयत ठीक है? राजीव जी जी बट साहब ऑल गुड। अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोग भी हमारा ये लास्ट टाइम है यहाँ पर, हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? अपना सामान हमने लेके निकलना है, क्योंकि आज सुबह आपने सारी ज्यारात करके, इतराफ की ज्यारात करवा के जो रह गई है दो चार, उसके बाद शाम को हम डायरेक्ट जो है वो मिशी पे पहुंचेंगे, ठीक है? ड्राइवर हमारा जो है वो सामान लेके करबला की तरफ चला जाएगा, हम लोग पैदल आएंगे, मिशी आज रात को स्टार्ट हो जाएगी, सुबह या फिर आज रात को मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा अभी, ठीक है? मैंने पहनना क्या अभी सूट निकाला, पैकिंग ही नहीं की मम्मा जी भी आपने? सब कुछ पैक, सिर्फ आम कपड़ों का ही जिप बंद नहीं की। कोई भी सलवार कमीज निकाल दो, कल इंशाल्लाह मैं काला सूट पहनूंगा, अभी फिलहाल कोई भी सलवार कमीज निकाल दो सादे वाला, ठीक है? बच्चा जी तबीयत ठीक है? पक्की बात है? एडक मुंह तेरा, एडक एवी मैं बड़ा कहता, ऐसा मैं छोटा, कुछ खा लो उठ के, एक केला बस है ना, वाह 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 वाह। अच्छा जी वहाँ चलते हैं, अपने बॉयज को रेडी करते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। अरे यार हैदर ने नहाने नहीं किया अभी, तू नहा ले ब्रो, बड़ा टाइम हो गया भाई, तो नहा लिया ना, ये तो नहाएगा नहीं क्योंकि ये तो एक दफा ही नहाएगा ईद पे। हैदर जल्दी कर ले ब्रो, जल्दी कर ले, हरी अब। ओके भाई ओके, चल भाई। 1 hour later शावर लिया, कपड़े चेंज कर लिए। अच्छा जी क्विक रूम टूर है, ये है जी रूम अम्मा बाबा और गजल का, ठीक है? तीन बेड लगे हुए हैं सिंगल। ओके हो गया, आ जाओ माजी, हरियप। ओके बाहर निकलते ही अम्मा का 515 के बिल्कुल साथ 509, ये है अरसलान भाई का और आगा जान का, ठीक है? ये टू बेड, ये आगा जान और अरसलान भाई। ओके यहाँ से बिल्कुल साथ आते ही 507 जो कि है मेरा, डोगर का, जमान का और हैदर का। ये देखो अभी तक इसे काम नहीं खत्म हो रहा, ठीक है? ये तीन बेड है और ये मेरा मैट्रेस लगा हुआ। ओके रेडी है? Yes. आजा हरियप यार, सलाम भी वेट कर रहे हैं, जल्दी कर। जान जी मुझे पकड़ा दो ना, मैं नौकर सरकार, मुझे दे दियो, छोड़ दियो छोड़ दियो छोड़ दियो छोड़ दियो, वो भी दे दियो। चलो 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 हरियप। चलो जी हरी गजल आ रही। ये आ गया जी सारा सामान, हैदर लोग आ रहा है, डोगर आ रहा है भाई। मेरी बात सुन, एक छोटा सा काम है। मैंने अभी तक कास्टमैन की ज्यारत नहीं करवाई भाई, सुन ले भाई, मैंने तो दो बार कर लिया है, मेरी माए मेरी बहनें इंतजार कर रही, उनको नहीं करवाई जानी, बहुत लेट है। प्लीज भाई। अच्छा जी मेरी बात सुनो, गाड़ी हमारी आ गई है, 11 बज गए हैं, ठीक है? हमारा 9 बजे का टाइम था कि हमने निकलना था, ठीक है? काजमैन आ जाओ, मतलब इमाम मूसा काजम की ज्यारत, जो कि बाबुल मुराद है, और मैं वो करवाए बगैर आपको नहीं जा सकता, अगर चला गया तो वापस हमने पता नहीं आना है यहाँ पर या नहीं आना, वो अरसलान भाई जानते हैं। अब हम काजमैन में सिर्फ अलविदाई सलाम आपके लिए करने जा रहे हैं, हम लोग दो बार कर चुके हैं, बाबुल मुराद है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आंखों से देखें और अपनी दुआएं मांग लें, बाकी पूरा करने वाली अल्लाह की बात है, ठीक है? चलते हैं, आपको ज़ियारत करवा लेते हैं, तब तक हैदर डोगर नीचे आ जाएगा, गाड़ी में बैठेंगे और अपना आज का सफर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी इस गली के बिल्कुल साथ वो वाला हमारा होटल है, ठीक है? दूर नहीं है, लेकिन ये जो सड़क है ना ये बहुत लंबी है, पूरा बाजार है, ठीक है? काजमैन कहते हैं इसको, काजमैन का पूरा बाजार है। मुझे लगा था कि गाड़ियाँ चल रही होंगी, वाइट कलर की एक गाड़ी चलती है जो कि आपको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाती है, उस पर बैठ जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो सिर्फ रात को चलती है। ओए आ रही है भाई, आ रही है, इसने बिठाना नहीं, लेकिन वो देखो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये है जी इमाम काम का रोज़ा मुबारक। अल्लाह चलते हैं, आपको ज्यारत करवा देता हूँ, जैसे ही ज्यारत करवाऊँगा अपनी नेक और जायज़ हाजात अपनी ज़ुबान अपने मुँह में रखिएगा, फौरन मांग लीजिएगा, इंशाल्लाह मौला के सदके बुरी होंगी। अच्छा जी यहीं से देख लो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बाबुल मुराद, इमाम मूसा काजिम और इनके साथ साथ इमाम तकी, अंदर चलते हैं, आपको ज़ियारत करवाता हूँ ज़री मुबारक की, अपनी अपनी नेक हाजात अपनी ज़ुबान पर रखना, क्योंकि बाबुल मुराद हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी एक एक बहन एक एक माँ जो मुझे देख रही है, जिनको पता कि मैं सारी डिटेल में ज़ियारतों को करवाऊँगा, आप सबकी, मेरे भाइयों की, अंकलों की, मेरे चाचुओं की, सबकी हाजात जो है ना वो पूरी हों। अरसलान भी बैठ मेरा वेट कर रहे हैं, अंदर चलता हूँ, आपको ज़ियारत करवाते हैं और निकलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या मेरे मालिक किस कदर खूबसूरत है, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अच्छा जी दूर से ही कहूँगा कि मैंने हाथ लगा लिया, मैं दो बार आ चुका हूँ, बस अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था रात का टाइम। आप लोग ज्यादा देख रहे हैं अपनी अपनी दिली हाजात पुलिस वाले, ये इमाम मूसा काज़िम और इनके बिल्कुल साथ एक ही दरी के अंदर इमाम तकी, ठीक है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोशिश करता हूँ करीब जाने की, रश काफ़ी है। ये साइड जो है अपोजिट साइड वो लेडीज़ की है, इस साइड पे सारे जेंट्स हैं। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बच्चे रश जा मेरे मालिक आपका शुक्र। ओके जी ज़्यादा तब मेरा फर्ज पूरा हुआ। चलो जी जूती चेंज कर ली मैंने। ओए यार ये तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, रख लो। काम में वालिदा है रोजा बीबी नजीस खातून सलामुल्लाह। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू, थैंक यू। अब आम को मैंने करवा दिया ज़्यादा जी बाबुल मुराद की, अगर हम चले जाते ऐसे ही तो मुझे दुख रहता है भाई, करवा दिया हैदर साहब। हाँ जी हैदर ने मुझे रात सारी तीन बार याद करवाया कि टाइम से उठना आपने दर्द करवानी, क्योंकि हर बंदा वेट कर रहा होगा कि यार अरसलान भी बस कर दे यार। यार अब मेरी बात सुनो, जो सुबह सोएगा ही 7 बजे वो 8 बजे, अच्छा मुझे कल कहते हैं 8 बजे उठ जाना नाश्ता करना, मैं भाई आप सलार हैं आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन नहीं मैं नहीं उठ सकता 8 बजे, झूठे। अगर मैं 8 बजे उठ जाऊँ ना, अगर मैं 8 बजे उठ जाऊँ, ये जो 3 मिलियन होने लगे ना, ये भी 6 मिलियन होते हैं अगर मैं 8 बजे उठ जाऊँ तो। हैदर इस बात की गवाही देगा, उठ के दिखाए मुझे। नहीं भाई मिलियन भाई मैंने 3 नहीं बड़े थे, मैं 3 नहीं बड़े थे, मैं नहीं उठ सकता। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अच्छा जी आज की मसरूफियात सारी बताता हूँ, लेकिन मसरूफियात बताने से पहले ये बता दूँ कि होटल के अंदर हमारी आखिरी रात कल, ठीक है। अब अगले 2 दिन हमें होटल नहीं मिलेगा, हम कहाँ रहेंगे कहाँ रात गुजरेगी सारा कुछ मैं आपको साथ साथ बता रहूंगा इंशाल्लाह। मशी आज स्टार्ट हो जाएगी, फिलहाल मुझे याद आ गया मैंने तो व्लॉग स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सलवात पढ़ी नहीं पहले? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सब खैरियत से होंगे, तभी सेहत ठीक होगी, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरे आंटियां मेरे बांझे मेरे भतीजे, सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा अपनी 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 हमने 3 मिलियन करने हैं इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे 3 मिलियन हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, जहां जहां पहुंच जाएंगे वहां वहां आपको मिलते रहेंगे। चलो जी शुक्र आराम से लाओ, हाथ दो हाथ दो हाथ दो भाई, आते आते आराम चलो आ जाओ भट्ट साहब, लाओ हाथ दो इधर दे दो ना जान, इधर हाथ दे दो, इधर दे दो ध्यान से, चलो आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ओके जी तो हम पहुंच चुके हैं, मालिक अश्तर के बेटे जिनका ये रोजा मुबारक है, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का रोजा। ये भाई ये जरा बताइएगा कि ये कौन थे और इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था। ये इब्राहिम बिन मालिक अश्तर का रोजा है, जो कि मालिक अश्तर जो मौलाली के साहबी थे, मौलाली के कमांडर थे, उनके बेटे हैं, और इन्होंने अमीर मुख्तार सकफी जिनके उनके साथ वाकई करबला के बाद करबला के जो भी मलून थे जो उसमें शामिल थे जिन्होंने कहर ढाया था, जी जिन्होंने तमाम मजालिम लाया था, वाकई करबला का बदला लिया इन्होंने, अमीर मुख्तार के साथ इन्होंने मिलके बदला लिया था, उन सब मलूनों की गर्दनें उतारी थी, गर्दनें उतार कर मौला सज्जाद की खिदमत में पेश की मदीना जाके, और तब मौला सज्जाद मुस्कुराए और मुस्कुरा कर मौला सज्जाद ने जो एक मुस्कुराए उससे ईद शुजा मनाते हैं, अगर मौला ना मुस्कुराते ये भी अगर उस टाइम पे मौला हल्की सी मुस्कुराहट ना देते ये सारी गर्दने देख के जो के या इब्राहिम लेके गए थे मालिक अश्तर के जो बेटे हैं, गर्दने उतार के वाकया करबला के जितने भी मुलव्वस थे ना जितने मलून थे उनकी गर्दने उतार के लेके गए थे मौला की खिदमत में पेश की थी, मौला हल्का सा मुस्कुराए, जब मौला मुस्कुराए उसके बाद ईद शुजा हुई, ईद शुजा हम मनाते हैं आज तक मनाते हैं, अगर मौला ना मुस्कुराते आज तक सियाने अली सोग में डूबे रहते, अगर मौला उस टाइम आ जाओ बिस्मिल्लाह, अगर मौला उस टाइम पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ना देते तो मोमिनीन जो है वो जितने भी हैं वो सारे आज तक सिर्फ सोग में होते, खुशी का कोई मौका कोई ईद उनके पास होती ना, ठीक है। ये उनका जो है वो रोजा मुबारक के अंदर चलते हैं, आपको ज्यारत करवाते हैं जाके, सुन के एक बार जरा होता ना इंसान को गर्दने उतारी थी सबकी। ओ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ये देखें जी, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, मालिक अश्तर उनके वाले साहब थे, और ये इब्राहिम जिन्होंने बदला लिया था मौला का। लो जी, ज़ियारत कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज रात मंजिल की तरफ हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा। दिखाऊंगा मैं आपको कैसा जन्नत का आलम है। ओए होए 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 मिशी, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, अंकल, बुजुर्ग पैदल जा रहे होते हैं। जितना हम जा सकते हुए हम भी जाएंगे। चेक कर रहे हो क्या हाल हुआ है इराक का? अच्छा, यहाँ पर इतना सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन जो 4 करोड़ जायरीन आए हैं ना अरबाइन पे, उनको डील करने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए वहाँ गए हुए हैं करबला। ठीक है, इसलिए दुकानें शुकानें हर चीज़ जो है वो बंद है, घरों को ताले लगे हुए, हर बंदा गया हुआ कि हमने मौला के जायरीन को डील करना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको खाना पीना पेश करना है। ठीक है, उम्मीद पूरी है कि आज रात को हमारी मिशी स्टार्ट हो जाएगी। 2 दिन में हमारी सारी इतराफ़ की ज़्यारात हो गई हैं, और बस वेट करो कब मेरे मौला के हरम पे मेरी ऐसी नज़र पड़ेगी। ओए होए होए होए, सारी ज़िंदगी का या हुसैन, उनके रोज़े के बिल्कुल सामने होंगे, जनाब अब्बास के रोज़े के सामने होंगे। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है जितना डिटेल में आपको दिखा सकता हुआ, जितनी अपनी माओं की अपनी बहनों की मैं दुआएँ ले सकता हुआ, वापस बात है आपको वहाँ बैठ के ज़्यादा अगर करवा रहा हूँ इस अला तश के आलम में 52 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो दुआएँ तो बनती हैं। और कुछ आप दो या ना हो तो दुआएँ तो दोगे ना। गुलाम सैन लग रहा है, यकीन कर मेरी बात सुन, मेरी बात गुलाम सैन ही आगे भी ऐसी थोड़ा सा साइड पे कर, आंखों में पड़ रहे हैं बाल। नहीं पह रहे भाई, मुझे याद आया बकरा देना, याद है अभी हम जा रहे हैं सैयद मोहम्मद पे चाला बलद में। ठीक है, जो इमामी जमाना अलैहिस्सलाम के चचा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई हैं। ठीक है, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि अरब में कोई इनके नाम की कसम नहीं खाता झूठी। अच्छा, इतने जलाल हैं, इतने जलालत रखते हैं सैयद मोहम्मद, और अक्सर लोग मनते भी इधर मानते हैं औलाद के लिए, कारोबार के लिए, इधर कुछ ताबीज, मतलब इतने जलाली हैं कि इनका नाम लेके कोई झूठी कसम नहीं खाता, नहीं पकड़ना हो जाए फौरन पकड़ हो जाती है, फौरन पकड़ हो जाती है। और इधर जब मन्नत बढ़ाते हैं, जिस तरह आपकी वही मन्नत मांगी थी हमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमने बैग की जो मन्नत है वो यहाँ मांगी थी, यहाँ पे हम बकरा यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे बकरा। ओके, याद है यार मुझे, आप लोग कल कमेंट्स कर रहे थे ना कि वही बकरा भी दे देना, भूल ना जाना, अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बकरा देंगे। इनशाला 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 पहुँचते ही पहुंचे मिलते हैं आपको। सही कर रहे थोड़ा उठा के रख, आंखों में पड़ रहे हैं सीधे को, वो कह रहे सीधा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं सैयद मोहम्मद के रोजे पे, जो के इमाम जमाना के चचा हैं, उसके अलावा मौला हसन अस्करी के भाई हैं, और मैं आपको ज़री मुबारक का जाज करवा रहा हूँ, ज़्यारत कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इनके बारे में मशहूर है कि पूरे अरब में इनके नाम की कोई झूठी कसम नहीं खाता, इतने जलाली मौला ये, इनके नाम की कोई झूठी कसम नहीं खाता, अगर कोई खा जाए तो यहाँ पर गुलागो का फैसला उसी वक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है जी देखा जाएगा बाद में, उसी वक्त। इतने जलाली मौला, कोई डरता इनके नाम की झूठी कसम नहीं खाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इमाम ज़माना के चचा हैं, मौला हसन अस्करी के भाई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, वाह मेरे मौला, वाह वाह मेरे मौला, वाह वाह। ओके जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ज़्यारत हो गई, ये देख रहे हैं जी, ये आउटलुक है। अच्छा, ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, यहाँ पर टेररिज्म का जो है वो ब्लास्ट वगैरह हुए थे, दाइश, जो दाइश है ना, दाइश
दाइश के यहाँ पर अटैक हुए थे, जिन्होंने गुंबद ही उड़ा दिए थे, वो साइड सारी उड़ा दी थी। ठीक है, अब दोबारा कंस्ट्रक्ट हो रही है। मैं और मेरे बॉयज हम जा रहे हैं अब मन्नत उतारने, क्योंकि यहाँ पर सारा अरब मुल्क में से, सारे जहान से आवाम आती है अपनी अपनी मन्नतें उतारने। ठीक है, वो सामने रोजा आ गया, इस साइड पे जाके आगे बकरे अरसलान भाई कह रहे हैं कि मिलते हैं, मुझे तो पता नहीं है। आप चलो वहाँ जाकर बैठो, मैं भी आपके साथ जा रही हूं। आपने किधर जाना? उधर बैठ जाओ, कूलर लगे हुए हैं, गर्मी बहुत है। अरसलान ने नहीं कहा था मम्मा को बैठने दिए, कोई बात। चलो जी, मम्मा भी आ रही, चलती हैं, बकरे देखते हैं जाके। ये जी अलग से एक अहाता बना हुआ है, एक फार्म सा बना हुआ है अलग से, हैं जबरदस्त यार, जबरदस्त भाई। ये सारी जो है वो मन्नतें उतारने के लिए रखा उन्होंने, उतारने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से खरीदते हैं। जबरदस्त, सामने ज़िबा करते हैं, जबरदस्त। फिर आधा बकरा आपको दे देंगे और आधा यहाँ पे रख देंगे, वो भी ज़ायरीन में तकसीम करते हैं, फौज की तरफ चले जाते हैं। हाँ, ये वो सदका खैरात नहीं है, ये मन्नत है, ये मन्नत है, बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये सामने इसका ज़िबा खाना बना हुआ, जहाँ पर ज़िबा होके आधा हमें मिल जाएगा, आधा लंगर बन के यहीं पे तकसीम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जी, हाय 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 हाय, जबरदस्त यार, फुल प्रोग्राम हुआ है। हाँ ठीक है, मौला जी जिनके दुआएं मांगी सबको, किसी के पीछे मेरी मेरी बहन को भी, मेरी बहन को, आपकी बहन को, मेरी बहन, मैं मामू बन जाऊंगा सब। भाई दुम्बा देख रहे हैं, बकरा देख रहे हैं भाई, एक ही बात है, एक ही बात है, दुम्बा करने बकरा कौन सा देखा कितने का? $240 मतलब ये हो गया $240 30,000 60,000 और ओए 80,000 का बकरा खेल गया, 80,000 मैडा है पाकिस्तान, 70,000 ये देख रहे हो, ये ले ला, देख रहे हो छोटा, इसका मांग रहा $240 पागल हो गया तू। ये छोटा लेला कितने का? ये लेला छोटा, छोटा लेला, ये जो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला $150 भाई। हाँ जी, से बाहर है 45,000 का, यस यस यस, ये 10,000 का भी नहीं है। हेलो, ये वाला दिस दिस $200 भी दे दे बंदा, लेकिन $200 वाली चीज भी तो छोटा सा मेमना है, 11-12 हज़ार रुपए का, 11-12 हज़ार रुपए का पाकिस्तान में मिलता है मेमना, उसका मांग रहा 45,000 रुपया। अब हमने डिसाइड किया कि हम नजफ जाके दे देंगे, नजफ जाके इंशाल्लाह हम बकरा अच्छा सा खरीद के वो सही मोहम्मद की नजर करके इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे। बस ठीक है, अच्छा नजफ में हमारे जो है ना आगा साहब उनका घर भी है। ठीक है, तो आधा जो हमने रखना है ना बकरा वो वहीं पे पकाएंगे, वहीं पे खाएंगे, और आधा हम सैयद मोहम्मद की नजर करेंगे। मेरे मौला, आपका ही हौसला था इन सड़कों पे नंगे पाँव, गर्मी का मुकाम ये है कि इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं जो कि हवा भी मार रही हैं और पानी भी मार रही हैं, और अब आम सामने खड़ा होके ये आलम है गर्मी का यहाँ पे। चलो ये ਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ $10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ $10 ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਗਲਾ ਲੋਰੋ 1800 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ 1800 ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਲੇਲਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਲੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 1800 ਦੀ। ਗਾੜੀ ਦਾ ਸੰਗਾ ਜੋ ਦਿਆ ਨਾ 22,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸਾ। 22,000 ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਬੇ? 50,000 ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਐ ਰਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਦਿਨੋਂ ਮੇ $70-80 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना इस ज़ियारत के लिए, मुझे हैदर के पापा ने कहा था उधर लाजमी जाना, पहुँचते हैं फिर आपको मिलते हैं। खैर, अच्छा जी, तो हम पहुँच चुके हैं हैदर साहब, आपके वालिद साहब ने कहा था कि यहाँ पर लाजमी जाना, क्या नाम है जगह का? सामरा। हैदर के वाली साहब अरसलान भाई जी जी, वो जब ज़ियारत पे आए थे ना, अच्छा। मेरा ख्याल है वो सामरा नहीं पहुंच सके थे, ये भी साथ था, तो ये लोग सामरा नहीं आ सके थे, इसलिए उन्होंने हमें कहा था कि जब आप लोग ज़ियारत पे जाओ तो मेरे बच्चों सामरा लाजमी जाना। सामरा में क्या, तुझे पता कुछ भाई? सामरा में रहबत इमाम ज़माना है यहाँ पर, ठीक है, और इमाम अली नकीले से तो माशाल्लाह जिनकी आले औलाद है हम जी, माशाल्लाह रात के ज्यादा। हाँ, आप भी नकवी सैयद हो ना, माशाल्लाह। हजरत 12वें इमाम इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु अन्हु सलाम का रोज़ है, माशाल्लाह। और बीबी नजीस खातून साहिबज़ज़मान
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी। अच्छा, ये सारा शहर है ना जिसे कहते हैं सामरा। जी जी। सामरा एक शहर है, उसके अलावा बड़ा खूबसूरत शहर है ये। ऐसे ही है। चलते हैं अंदर, जाके आपको ज़ियारत करवाते हैं। हाँ जी भट्ट साहब, थकते नहीं गए? पक्की गल है? हाँ जान, थकते नहीं गए? हाँ अल्लाह तेरी खैर करे, सलामती करे मौला, जिहड़ी किस्मे खुदा पाक दी समझ नहीं आंदी मैनू दुआ आया दे के मां प्यो दा साया सिर ते सलामत रहे, बस होर मैनू कोई दुआ ना दे। लंगर लंगर खा लो मम्मा जी, खा लो जान, खा जल्दी कर हरी। अब चल बेटा स्ट्रीक बाद में डाल ली, पहले खा ले। शाबाश भट्ट साहब, मीठा ना जबरदस्त। हाँ भाई मीठा। हाँ मां जी मैंने गल दसो, इवें तस्वीर खिंची वहां जा के इस तरह का गजल मांग रही है। ये जी हमारे सैयद की तबीयत खराब है कल से, इसको लगी हुई गर्मी सर्दी। ये यहाँ पे मोबाइल क्लिनिक बना हुआ, अपना मसला बताओ और आके दवाई ले जाओ, कोई पैसा नहीं। अब खा लेंगे दवाई यहाँ से, ठीक है? तीन गोलियां चल। अच्छा जी, ये सामरा बाजार है, ये सारा चल के जाएंगे फिर हमारी मंजिल मकसूद आएगी। अच्छा, सारे बाजार थ्रू आउट उन्होंने ये वाले कूलर लगाए हुए हैं जो कि पानी भी साथ फेंक रहे हैं, वो देख रहे हो? चलते जाओ आगे, और सारा कूलर और कूलर हुआ है क्योंकि गर्मी नाकाबले बर्दाश्त है भाई जान, ठीक है? ऊपर से रश भी है ना, तो लोगों को नुकसान ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने या लोगों ने आई डोंट नो फिलहाल इंतजाम किया हुआ सारा। आहा माशाल्लाह, अन्ना इब्न हुसैन जबरदस्त। आ जाओ भाई आ जाओ, अब लेफ्ट देखो, अब लेफ्ट देखो, सारे सारे इकट्ठे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, या मेरे मालिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आपको पूरा दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। ये अल्लाह अकबर, वाह वाह मौला वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इन हैदर कौन कौन सी ज़ियारत है? इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम और बीबी नरजिस, चौथी और बताया था वो इमाम। चौथी गिनती है वो भी पूछता हूँ, इसी एक जरी में चार ज़ियारत किन किन की है यहाँ पर? यहाँ पे है हमारे इमाम अली नकवी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है ये, और इसके बाद इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, बीबी नरजिस खातून है जो बीबी नरजिस कौन थी बता दें? नरजिस खातून इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज़ शरीफ की वालिदा माजिदा है, और उनकी फूफी हकीमा खातून भी इसी जरी के अंदर मथुन है, चारों यहीं पर एक साथ मथुन है, एक का नाम लिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत आज है इधर चेक कर, है ना? तीन की तीन ये हैं जर मुबारक, और एक इस तरफ है। अच्छा जी, ज़ियारत करके आ गए, अभी हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में, जा रहे हैं नीचे बेसमेंट में जो मकामे गैबत है इमाम ज़माना है, यहाँ से इमाम ज़माना गैबत गैबत यानी कि जिधर मौला इमाम ज़माना जिस तरह पर्दा करके पर्दा गैबत में है, तीसरा गैबत में, इस तरह मौला इमाम ज़माना जब गैबत में है, ये इस मकाम से लास्ट ये जगह है जहाँ से मौला गैबत करेंगे। जी जा रहे हैं हम नीचे तय खाने में, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा ये जी वो आखिरी जगह, वो जहाँ पर इमाम ज़माना आखिरी दफ़ा उतर आए थे, उसके बाद गैबत फरमा दे चाहिए। आज भट्ट साहब आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم یہ سارا تہہ خانہ یہاں پر لاسٹ ٹائم مولا یہاں سے گئے بس اللهم صل على محمد وآل محمد جو ہم نوحہ بھی سنتے ہیں نا دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے وہ انہی کی بات ہوتی ہے امام زمانہ کی بات ہوتی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے بواب بلند تر صلوات چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 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 اچھا جی 15-20 منٹ کی ڈرائیو کر کے لاسٹ زیارت سمجھ لو زیارت تو نہیں ہے یہ زیارت تو نہیں ہے قید خانہ ہے امام علی نقی کا قید خانہ ہے جہاں پر میرے مولا کو قید کیا گیا تھا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی قید تھی کہاں مولا کو قید کیا گیا تھا دکھائیں 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 اللہ اکبر نیچے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو بس 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 چھ سال انہوں نے امامت کے ان میں سے تین سال اسے زندان میں گزارے تین سال اسی جگہ گزارے چار امام ایسے ہیں جن کو شدت کے ساتھ شہید کیا گیا ایک امام حسن مجتبیٰ جن کو زہر دیا گیا ان کے جو ہے کلیجے باہر آ گئے اور امام نقی علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے خون کی الٹی کی خون کی الٹی کی یہ جن قید خانہ امام نقی علیہ السلام ہائے مولا ہائے مولا ماما گدبی شٹ اچھا جی مولا کے قید خانے سے باہر آئے تو یہ سامنے سارے استبل بنے ہوئے آگے ایسے ہی ہے یہ سارے استبل بنے ہوئے یہاں پر پہلے پانی تھا اور اس کی بیک پہ ایک زو تھا جہاں پر شیر بھی تھے میرا خیال ہے اور مولا کو شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا گیا تھا بھوکے شیر کو لیکن وہ شیر بھی جو ہے وہ قدم بوسی کرنے آ گیا اور وہ جو ہاں جو ملون تھا جو یہ سارے ظلم ڈھا رہا تھا اس ٹائم بھی وہ بست ہو گیا بےچارا نا اچھا یہاں پر رش ہوتا ہے لیکن رش اس لیے نہیں ہے ایک تو سالار جتنے ہیں نا وہ باریک سے باریک زیارت نہیں کرواتے لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ ذریعہ آمدن بنا لیا ہوا بھائی ایسے ہی ہے کوشش کرتے ہیں موٹی موٹی زیارت کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں پر سالار نہیں ہے ہمارے یہ آغا جان ہے پھر جو لے کے آئے ہیں ہمیں ارسلان بھائی وہ میرے بھائی ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی زیارت ہم خود بھی کر رہے ہیں اور میں آپ کو بھی کروا رہا ہوں ویسے بھی سارا کا سارا عراق گیا ہوا کربلا اربعین کے لیے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے 4 کروڑ کتنی عوام ہوتی ہے 4 کروڑ عوام ہوتی ہے 4 سے 5 کروڑ عوام ہوتی ہے ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے آج کے دن کی ہماری آخری زیارت تو نہیں کہیں گے نا اس کو نہیں یہاں پہ قید خانے کی زیارت ہی ہو گئی ہاں قید خانے کی زیارت ہو گئی اوکے جی شکر اللہ الحمدللہ صبح کے نکلے ہوئے رات ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ زیارتیں بخوبی ساری کروا دی بھائی نے بھائی تھینک یو سو مچ لو یو لیکن اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں روٹی کھوا دے میں تھوڑا سا ناشتہ کیتا یار تاری مہربانی انشاءاللہ میں کرا دوں سرکار مہربانی کرو کھانے کا انتظام کرو ساری رات انہیں نہیں سون دیتا کو سرکار پیچھے بیٹھے نے انہوں نے کیا کہا تجھے اچھا یہ میری بات جھوٹ بول رہا ساری رات سویا تو کیا کہا انہوں نے تجھے یہ ساری رات کھنگا دی رہی تے اے جڑا سی جڑا میرے سجے سیٹ سنتا سی ایندا ایک ا ویڈیو ویکھو اے کل ویڈیو دیکھو چل چل ویڈیو دیکھو انسان اور کیا کرتا ہے کراٹے مار رہا تھا تھکا انسان کراٹے مار ہی لیتا ہے اچھا مجھے ویسے کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں تو زمین پہ سویا تھا اور میں بڑا ہی نا ڈھیلی ڈال کے سویا ہوں انسان تھوڑے کراٹے ماردا ہے نا تو تے کراٹے ہی مارے نے ستا کٹ کیسے مارا تھا یار گندا اچھا سین ایسے ہے کہ میں ولاگ فی الحال کر رہا ہوں یہاں پر اینڈ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں سٹے کرنا ہے ہاں یہ پتا کہ ہوٹل میں سٹے نہیں کرنا کل کے ولاگ میں انشاءاللہ مشن سٹارٹ کر دیں گے ہم انشاءاللہ رات کو شاید ساری رات سوئیں نا مشن سٹارٹ کر دیں میں ولاگ انشاءاللہ نیا سٹارٹ کر لوں گا فکر نہیں کر رہی آپ کے لیے کل کے لیے ولاگ میں آ جائے گی مشن اور منزل کربلا ہے پہنچتے ہیں آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ زیارت بھی کروائیں گے کہ مشن کس طرح ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے مشن میں
डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, होती मुलाकात कर लें इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, मिशी के व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो जाओ भाई, तुम बहुत जल्दी बीमार हो।